So I guess another set from Veggiepaaji और संजय पैलेस बंद था क्योंकि उनको आज संडे है, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। तो अभी हम लोग दूसरी बार आए हैं संजय पैलेस में और इस बार आए हैं हम लोग सही दिन में। आज है मंडे, तो मंडे को तो भाई सारे लोग ऑफिस में आते ही हैं, तो रेडी वगैरह भी स्टॉल्स वगैरह भी लगे रहेंगे। तो आज देखते हैं क्या उम्मीदें हैं। मेरे को विराट बोल रहा है यहाँ पे खाना बहुत अलग अलग वैरायटी का मिलता है। टाइम तो अभी थोड़ा शाम का ही टाइम हो रहा है, बट ये सारी चीज़ें दोपहर से मिलनी चालू हो जाती है, तो इसको आप ब्रेकफास्ट में भी समझ ही लो। हम लोगों का क्या है, हम लोग एक बार ब्रेकफास्ट में आए थे, अब एक बार शाम को आ गए हैं। विराट खाना कहाँ है, भूख लग रही है? खाना हर जगह है, फिर भी मैं दिख क्यों नहीं रहा? अमृतसरी नान थाली, दानेदार शिकंजी भी थे ना पहले, रुक के भैया दो शिकंजी बनाना 10 वाली। मेरे को तो शेव करना पसंद ही नहीं है, ये देखो शेव करके आया आज। क्यों, किसने बोला था तेरे को? सब बोल रहे थे। कौन बोल रही थी? कोई नहीं बोला था, कह रहे थे उम्र से बड़ा लग रहा है। कह रही थी गर्मी में ठंडक का एहसास, गर्मी गुल नहीं देता, शिकंजी देती है। ग्लूकोंडी भी नहीं देता, शिकंजी देती है। रसना भी नहीं देता, शिकंजी देती है। और कुछ बच गया? रूह अफ़ज़ा देता, रूह अफ़ज़ा हमारा हम दर्द है। बर्फ पी के कैसा लग रहा है? फीलिंग गुड। अब कुछ खिला भी दे। अच्छा चलो, क्या खिलाएगा? अमृतसरी कुलचा। विराट तू मुझे पिज़्ज़ा लेके आया या डोमिनोज लेके आया? यहाँ खाने आया। मेरे को ऊपर पिज़्ज़ा देख रहा है, तूने मेरे को यहाँ के ला के रोका। नीचे से देखो, ऊपर नीचे। चल ठीक है, मेरे को लगा पिज़्ज़ा या डोमिनोज खाएंगे। ओके, दैट वॉज जस्ट किडिंग। हम लोग अमृतसरी कुलचा खाने आए हैं। अमृतसरी कुलचा जंक्शन, ठीक है। अमृतसरी कुलचा कॉम्बो, जम्मू की स्पेशल थाली, हांडी, रोटी, राइस, स्पेशल रोल, सोयाबीन। क्या खाना है यहाँ से? कुलचा, ड्राई फ्रूट, आलू गोभी, अनियन, अमृतसरी स्पेशल मिक्स। ब्यूटीफुल थाली ये हम लोगों ने मंगवाई है, आलू प्याज थाली, भर भर के प्याज दिख रहा है इसमें मुझे। छोले डाले में, ये आपकी खट्टी मीठी चटनी प्याज की, दाल मखनी, बूंदी वाला रायता एवरग्रीन। मतलब मैं वैसा वाला बंदा हूँ जो आलू प्याज प्रेफर करता है पनीर से, हर किसी अलग अलग सेटिंग होती है ना सब्जियों के साथ। एक इसकी फ़ोटो खींचते हैं इंस्टाग्राम के लिए और फिर खाना शुरू करते हैं। सुबह से बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा, इतनी भूख लगा के आया हूँ कि मैं बहुत सारा खाना खाऊँगा और ये चीज़ें ढूँढने में अभी दिक्कत कर रहा है। अभी देखेंगे हम लोग और चीज़ें ढूँढेंगे, ढूँढने का नाम नहीं, क्या होता है, चलती का नाम ज़िंदगी है। हम लोगों की थाली आ चुकी है, हम लोगों ने अमृतसरी कुलचा कॉम्बो थाली मंगवाई है। इसका प्राइस है 160 रुपीज़। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ना, मतलब दो 160 रुपीज़ में दो कुलचे देने चाहिए बट इनको, बट पता नहीं, देखते हैं। मुझे पता नहीं है ये कौन सा एरिया है, यहाँ के क्या प्राइजेस है, ये विराट ज़्यादा बताएगा। यहाँ पे ऐसा कुलचा ना मिलता नहीं है। अच्छा, तो रेयरिटी है तो इसलिए रेट थोड़ा ज़्यादा है। तो एकदम प्याज ना यही मिलता है, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी कुलचा है, इसमें प्याज भर भर के डाला हुआ है और आलू प्याज बोला था, वैसे खा के देखते हैं। मिर्ची भी दिख रही है मुझे, स्पाइसी होगा बहुत, बटर है और छोले के साथ लेते हैं जरा एक बाइट इसकी कैसा है। किसी भी जगह की ना पहचान उसकी चटनी से होती है, चटनी खा के देखते हैं कैसी है। एकदम खट्टी मीठी चटनी है, एकदम खा के एकदम तरोताज़ा हो जाता बंदा। और ये देखो अमृतसरी कुलचे की असली पहचान होती है उसकी, साइड से आप तोड़ोगे ना सेपरेशन आनी चाहिए उसका, ऐसे ये देखो ब्रेक हो रहा है ना, मतलब इसमें भर भर के घी डाला हुआ है, कुछ तो डाला हुआ है, भर भर के, इतना क्रिस्पी है इसको। बहुत ज़्यादा खट्टी मीठी चटनी कमाल की है, छोले एकदम माइल्ड स्पाइसी है, दाल मखनी एकदम गाड़ी जा रहा है, परफेक्ट थिंग, मज़ेदार, शहनशाहों का शहनशाह, आगरा का खाना मज़ेदार, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गया, लाइक बहुत ज़्यादा, एकदम ऊपर हवा भी आ रही है ऐसे, जुल्फे उड़ रही है तेरी, कमेंट सेक्शन में कोई मिल ही जाएगा तेरे को। अरे लड़का बाइक चलाता है हमारा, बाइक कर रहा है, अरे जुल्फे मज़ेदार, एकदम मज़ेदार।
देखा बिल कितना आया था हमारा 189 एक्सपेंसिव है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है 190 जल्दी है था। क्या खाया था पुदीने चटनी टाइप का फ्राइड था तू बोल रहा है तो ठीक है गोबरो के लिए फांसी की सजा भी कम है इट इज लाइक ऑलमोस्ट रैंडम जगह से हम लोग पनीर वाले छोले कुलचे खा रहे हैं बिकॉज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं सो दीज आर योर रेगुलर छोले कुलचे इसमें कुछ मतलब इसमें बस पनीर ऐसे ग्रेट करा हुआ है और दिस थिंग इज सपोज टू बी रायता वो कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ छोले कुलचा तो छोले कुलचा हर जगह एक जैसे मिलता है मेरी मत मारी गई थी मैं कुछ अलग ट्राई कर मैं छोले कुलचा खा रहा था आई एम सॉरी फॉर दिस पार्ट ऑफ द वीडियो ओह बट ये थोड़ा अलग है मतलब दिस इज सपोज टू बी रायता आई थॉट चटनी है रायता शॉट्स डन राइट कौन कौन से फ्रूट्स है इसमें केला है खीरा है टमाटर है चुकंदर है पपीता केला खीरा ओए सारे खा लेगा ना केला खीरा चुकंदर हाँ सब डाल दो सब डाल सब 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 डाल तरबूज थोड़ा ज़्यादा डाल देना मसाले कैसे हल्का एक दो एक मूली का डालना मूली कस नहीं नहीं एक दो आलू ऊपर से करारे वाले डाल दो एकदम करारा वाला जो है ना ये भी धन्यवाद जी आ जाओ जरा वन्ना के पास आ जाओ वन्ना बता रहा हूँ तेरे को समझ रहा है दिस जोक नेवर गेट्स ओल्ड जब तक वन्ना बिक रही है तब तक ये जोक चल रहा है चाट तो बढ़िया लग रहा है बॉस तो रैंडम खाने की खोज में हम लोगों ने आलू चाट चाट फ्रूट चाट है फ्रूट आलू चाट तो सारे फ्रूट्स हैं इसमें इसमें वाटरमेलन मस्कमेलन टमेटोज पपाया बीटरूट खीरा ये वो फलाना ढिमकाना सब डाल दिया चलो खाओ बताओ कैसा है क्या इसमें वो बात है इसमें वो बात है क्या ये इंडियाज़ गॉट टैलेंट के नेक्स्ट एपिसोड में सेलेक्ट होगा हाँ हो जाएगा ठीक है भाई जो लोग फूडी होते हैं ना जो खाने के शौकीन होते हैं और वो डाइटिंग कर रहे होते हैं तो उनको डॉक्टर वगैरह बोलते हैं भाई आपको फ्रूट्स खा लेने चाहिए वो ये लोग ये खाते हैं वो सब भाई देखो इसमें नाम के लिए सारे फ्रूट्स हैं आपके केला एप्पल बीटरूट कुकुम्बर सब है इसमें बट मेन इंग्रेडिएंट आलू है आमतौर पे लोग कट के जाते हैं यहाँ पे आ जा 10 सेकंड में 3 स्कूटियाँ कट गई हैं आई लाइक दिस स्टफ दिस इज़ माई काइंड ऑफ स्टफ मम्मी पापा मैं ये सब खाता हूँ अरे ये तो मेरे को ये ले गया विराट अमृतसरी कुलचा खा ले मैंने बोला चल ले गया उसको बुरा लगेगा मैं खा लेता हूँ ये सब मैं खाता हूँ हाँ आ जाओ वो कैसा होता वो रिश्तों के ये रूप बदलते हैं टिडिंग टिडिंग टिंग ओ ब्लूबेरी भी है ब्लूबेरी खाएगा हाँ लेट्स टेक ब्लूबेरी फाइन बस पेस्ट्रीज एगलेस कौन सी है सारी अगले से तो गाइज अभी हम लोग आए हुए हैं अटलांटिका यूएस में और ये जो आप आउटलेट देख रहे हैं ये बिल्कुल यूएसए में है यूएस ऑफ अमेरिका में जगह का नाम है अटलांटिक फूड्स मस्त एकदम आगरा में बैठ के यूएस के दिन भर जोक्स की क्वालिटी बहुत ख़राब हो गई है तो यहाँ पे हम लोगों ने मंगवाया ये फ्रूट कप है इसका प्राइस है 80 रुपीज़ और इसका प्राइस है 90 रुपीज़ ये फ्रूट कप 80 रुपीज़ 90 रुपीज़ ब्लूबेरी स्टार्ट विद ब्लूबेरी जी देखने में ज़्यादा था मतलब 90 रुपीज़ का थोड़ा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा था अच्छे अब इस पे आते हैं इसमें ग्रीन एप्पल्स है ड्रैगन फ्रूट है प्लम है चेरीज है और चेरी टमेटोज है इसके अंदर भी कुछ कुछ ऐसा है
This is good. This is good stuff. That is bad stuff. This is good stuff. This I like. Hard lag raha hai. Haan, not very smooth. I mean, bahut ajeeb sa hai. Nahi, but wo jo iska sponge hai na, sponge is thoda sa, I mean, different. It's very different. Sponge is, matlab, it was just fine. This looks like wo jaise hoti na, average pastry shops hoti hai, jaise jinka 20-30 rupay ki pastries hoti hai. Us type ka iska sponge hai. Thoda sa waise hai. Matlab, jo ekdam badiya pastry shops hoti hai, unka ekdam fluffy sa hota hai. Wo difference hai, matlab, jo mereko laga hai. ये बढ़िया ना, दिलदार। तो गाइस अभी हम लोग आ रहे हैं संजय प्लेस की मार्केट से और वहाँ पे हम लोगों ने कुलचा जंक्शन के कुलचे खाए हैं, पेस्ट्रीज खाई थी, फ्रूट चाट खाए थे, छोले कुलचा पता नहीं क्यों खाए थे और शिकंजी वगैरह, वो सब तो सही है, बट एक चीज़ आपको बतानी थी कि संजय प्लेस की मार्केट में गूगल मैप्स के डिस्क्रिप्शन लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं छोड़ दूंगा, वो मार्केट में जाके आप खाना, वहाँ पे सारा खाना मिलता है और ऐसा कमाल का खाना मिलता है एक ही जगह पे। अगर आगरा कभी आओ ना, उस जगह चक्कर जरूर लगाना, कन्वीनियंटली आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी देखने को, खाने को। मैं तन्मय फ्रॉम वेजीपाजी अभी निकलता हूँ किसी और बढ़िया वेजिटेरियन खाने की तलाश में, आप लोगों के लिए आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एंजॉयिंग एंड ऑलवेज स्टे वेजिटेरियन। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसे ही अभी वेजिटेरियन खाने की वीडियोज आती है हफ्ते में 4 बार। अब निकलते हैं, बाय।